लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। वाह, दीदी के पराठों की तो बात ही कुछ और है। क्यों? ओहो, एक ही बचा है, कोई बात नहीं, आधा आधा कर ले। ये ले अपना हिस्सा। अबे ले ले, मेरा मुंह क्या देख रहा है, ले। पिताजी। अरे पिताजी को क्यों बुला रहा है, ठहर जा। ये ले। अरे यार, मैं तो तुझे अभी देने ही वाला था। क्या बात है भाई, है? क्यों शोर मचा रहे? कुछ नहीं पिताजी, अरुण कह रहा था कि दीदी अभी तक नहीं आई। लो नाम लेते ही आ गई। लो, तेरे लिए चिट्ठी आई है। मेरे लिए चिट्ठी? वाह वाह। लो अरुण। होमवर्क हो गया? सच्ची? आज तबीयत कैसी है पिताजी? ठीक है, तुम भी अब नाश्ता कर लो। मैं अभी आई। ओह नो, ओह माय गॉड। क्या हुआ बंटी? बंटी, क्या हुआ? चल देख तू बेटी, क्या क्या लिखा है? नौकरी मिल गई है। नौकरी मिल गई। हेलो, आई एम अ जॉली गुड फेलो, आई एम अ जॉली गुड फेलो, आई एम अ जॉली गुड फेलो, एंड सो से ऑल ऑफ अस, एंड सो से ऑल ऑफ अस। जीते रहो बेटा। थैंक यू पिताजी। थैंक यू कि बच्चे कितना डरा दिया था। दीदी, मेरी साइंस की किताब में लिखा है कि शॉक लगने से इंसान का ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। ओ, तुम्हें मालूम नहीं? मालूम है, बहुत बातें करने लग गया है, चल भाग यहाँ से। चलो पार्टनर, लगता है हमारी तुम्हारी यहाँ कोई कदर नहीं। आई एम अ जॉली गुड फेलो, आई एम अ जॉली गुड फेलो, आई एम अ जॉली गुड फेलो, एंड सो से ऑल ऑफ अस। 120/80। रोजी, तुम शिमला छोड़कर बम्बई क्यों जा रही हो? वहाँ बहुत फैसिलिटीज है, फी भी ज्यादा है, फिर मेरी फैमिली भी वहीं है। अच्छा। तुम कहो तो तुम्हारे लिए भी एक नौकरी ढूंढू। ना बाबा, वहाँ की गर्मी में किसे रहना है। सुमन, ये बेड नंबर 10 के इंजेक्शन का कोर्स है। जी, वो डॉक्टर साहब आपने डाइट चार्ट मांगा था ना, ये रहा। एक खुशखबरी है, शाम को 5:30 बजे। एक खुशखबरी है, शाम को 5:30 बजे। पहले तुम बताओ। बंटी की नौकरी पक्की हो गई है। रियली? अब घर का सारा खर्च वो संभालेगा। और पिताजी तुमसे मिलना चाहते हैं। यानी अब हमारी शादी में कोई रुकावट नहीं? That's great. यकीन नहीं आता, इतने सालों से जिस दिन का इंतजार था, वाकई कमाल की खुशखबरी सुनाई तुमने। और तुम्हारी?
मेरी मेरी बताओ ना क्या थी मेरी वो खुशखबरी क्या हुआ देखो बैठो 24 घंटे आंखें मलते रहते हो इससे भी मोटा चश्मा चढ़ जाएगा अरे ये लेक्चर देने का वक्त नहीं देखो ना बहुत दुख रहा है बिल्कुल नहीं तो फिर तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं अरे अरे सुनो अरे गो टू हेल अरे वहां तो चला जाऊंगा लेकिन उससे पहले पहले कहां जा रहा हूं वो तो देख लो एक सेकंड हॉस्पिटल तुम्हें रिसर्च स्कॉलरशिप के जरिए अमेरिका भेज रहा है ओह यस लेकिन जाने से पहले हम शादी कर लेंगे एंड हनीमून इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अरे रूपा तुम लो आ गया रवि मुबारक हो अरे ये किस खुशी में इतने इनोसेंट मत बनिए मैं माँ जी को बता चुकी हूँ कि हॉस्पिटल की तरफ से आपको अमेरिका भेजा जा रहा है तो हमसे पहले हमारी खबर तुम्हें मिल जाती है हुजूर आपकी हर वफा हर जफा पर नजर रखते हैं आप मिले न मिले हम आपकी खबर रखते हैं शंभू जी शाम भूख लगी कुछ खाने के लिए लाओ बहुत अच्छा शाम अविला शाम माँ जी मैं चलती हूँ अरे बेटा इसे छोड़कर तो आ अरे माँ ये नई थोड़ा ही है ये रास्ता जानती है हाँ रास्ता जानती हूँ मैं मान थोड़ी हूँ रूपा कितनी सुंदर है है कितनी सुशील है है माँ कितनी चंचल भी है और क्या शायद एक बात बताना तुम भूल ही गई कौन सी बात यही कि वो हमारे अस्पताल के मालिक की इकलौती बेटी है और जो भी डॉक्टर उसे शादी करेगा उसकी जिंदगी यूं बन जाएगी छोड़ मुझे तू क्या जिंदगी भर कुमारा बैठा रहेगा आ आ आ समझो कि अब कुआरापन खत्म कैसे हाँ सुमन का भाई नौकरी करने लगा है अब हमारी शादी में कोई रुकावट नहीं कल ही उसके घर चलते हैं और शादी की बात पक्की कर लेते हैं हैप्पी बहन जी सुमन 3 साल की भी नहीं थी जब इसके सगे माँ बाप रेल के हादसे में गुजर गए वो लोग मेरी पत्नी के बड़े अच्छे दोस्त थे हमने सुमन को गोद ले लिया बहन जी यकीन मानिए जितना कुछ इस लड़की ने हमारे घर के लिए किया शायद कोई सगा बेटा भी नहीं कर पाता मेरी प्रार्थना इतनी है कि जो सुख इसे इस घर में नसीब नहीं हुआ वो आपके यहां जाकर हो जाए मां आज ही पंडित जी से मिलकर शादी की तारीख निकलवा लेते हैं ताकि सुमन भी मेरे साथ अमेरिका जा सके ठीक है तो फिर बहन जी मुंह मुंह मीठा कर लीजिए पिताजी जरा रुकिए बंटी आता ही होगा बोलो नाम लिया और आ गया devil and the devil appears. बड़ी लंबी उम्र है प्रोफेसर शर्मा घर में है जी हाँ उन्हें फौरन बुलाए उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया
घर में जी बहुत घबराता है। मैं सोच रहा हूं इस साल अमेरिका नहीं जाऊं। क्यों? तुम्हें इस हालत में छोड़कर जाने को मन नहीं करता। सदमा तो मुझे को बर्दाश्त करना है, तुम्हारे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, तुम्हारे ना जाने से तुम्हारी माँ को जरूर बहुत अफसोस होगा। सुमन, तुम क्या चाहती हो? सच सच बताओ। हो रवि, 6 महीने की तो बात है, देखते देखते कट जाएंगे। बहुत खुददार हो। अच्छा जनाब, आपका हुक्म सर आंखों पर। अब आप भी हमारी एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी कर दीजिए। इसे जरा सा जरा बस थोड़ी तेजी भर के देख लो, पता नहीं ये मौका फिर कितने दिन बाद आएगा। सुमन, परसों बाद जब तुम्हारी उम्र रहेगी ना मेरी, तब भी तुम मुझे ऐसी लगोगी। क्या खाक होगी सुमन, दिन रात बस तुम्हारी याद आती है। अरे हाँ, 15 तारीख को शाम 5:30 बजे मैं अपने घर फोन करूंगा, तुम वहां जरूर रहना। रहोगी ना? तुम्हारा, सिर्फ तुम्हारा रवि। कौन है तुम्हारे साथी? बोल बोलता छोनी, कौन है तुम्हारे साथी? बोल। सुमन बहन, अरुण चोरी करते हुए पकड़ा गया है। अच्छा, बहुत चोरी करता है, जेल में सड़ेगा ना तो पता चल जाएगा चोरी करने का नतीजा। अरुण दीदी, कहाँ भागता है चोर के बच्चे? क्या कह रहे हैं सेठ जी, अरुण चोर नहीं है। इसने चोरी की है, रंगे हाथों पकड़ा है, पूछ लो मूलचंद से। नहीं दीदी, ताला पहले से ही टूटा हुआ था, मैंने अंदर जाके देखा तो इन लोगों ने मुझे पकड़ लिया। अरुण कभी झूठ नहीं बोलता, चोरी किसी और ने की है। इसका फैसला तो पुलिस करेगी। नहीं नहीं, पुलिस तक बात मत पहुंचने दीजिए, एक बार चोरी का इल्जाम लग गया तो इसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। तुम्हारे हाथ जोड़ने से तो मेरा नुकसान पूरा नहीं होगा। मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगी, बस मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए। ठीक है, तुम्हारा भाई मेरे कब्जे में रहेगा, 15,000 रुपए लेकर मेरी दुकान पर आ जाना। 15,000? हाँ, आज शाम के 6 बजे तक अगर तुम नहीं आई तो तुम्हारा भाई पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। चल। मुझे इन पैसों की सख्त जरूरत है, कुछ भी कीजिए सर, आज शाम तक किसी तरह मुझे ये पैसे दिला दीजिए। इम्पॉसिबल, एप्लीकेशन फॉरवर्ड करते करते भी 8-10 दिन लग जाएंगे, और उसके बाद भी पैसे कब मिलते हैं और कितने मिलते हैं मैं कुछ नहीं कह सकता।
आई एम सॉरी, लेकिन मिस शर्मा आपको अचानक इतने रुपयों की जरूरत क्यों पड़ गई? दीदी मुझे बचा लो, दीदी 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 मुझे बचा लो, दीदी मैंने कुछ नहीं किया, दीदी दीदी मुझे बचा लो, दीदी मुझे बचा लो, दीदी दीदी मुझे बचा लो। आपने मेरे भाई को बचा लिया, आप ना होती तो हमारा घर उजड़ जाता। उठो बेटी, सुमन। जी माँ जी। तुम्हारे हॉस्पिटल के मालिक सेठ जमनादास की बेटी रवि से शादी करना चाहती है। रवि को इस शादी से कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन मुझे है। इस शादी के जरिए देखते देखते रवि को जिंदगी में वो सब कुछ मिल जाएगा जो मैंने उसके लिए सोचा है। लेकिन मेरा यह सपना पूरा होने के लिए तुम्हें रास्ते से हटना होगा। ये आप क्या कह रही है माँ जी? मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। सुमन, इंसान कभी कभी सोचने पर मजबूर हो जाता है। मेरा सब कुछ ले लीजिए, लेकिन रवि को मुझसे ना छीनिए। एक घाव मिटाने के लिए इतना बड़ा घाव ना लगाइए। मुझ पर रहम कीजिए माँ जी। बेटी, तुमने मुझसे अपने भाई की जिंदगी मांगी, मैंने दे दी, लेकिन उसके बदले में मैं अपने बेटे की जिंदगी तुमसे मांग रही हूं। मुझे मेरा बेटा वापस कर दो। हेलो, ट्रंक कॉल फ्रॉम अमेरिका। रवि बेटे कैसे हो? हाँ हाँ सब ठीक है। सुमन, एक मिनट, रवि तुम्हारे बारे में पूछ रहा है। कह दीजिए मैं यहां नहीं हूं। बेटी, आज जो तुमने अरुण के लिए किया शायद कोई मां भी अपने बच्चे के लिए नहीं करती। पिताजी, अरुण को इस बारे में कभी पता नहीं चलना चाहिए। मालूम नहीं भगवान तेरी कैसी परीक्षा ले रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा। मुझे माफ कर दो रवि, मुझे माफ कर दो। नहीं मां, ये नहीं हो सकता। सुमन नहीं मर सकती, ये झूठ है। ये सच है बेटे। तेरे जाने के बाद सुमन और उसका परिवार तीर्थ यात्रा को निकले थे। रास्ते में उनकी बस पहाड़ी पर से गिरकर जल गई।
कोई नहीं बचा। हिम्मत से काम ले बेटे, हिम्मत से काम ले, होनी को कोई नहीं टाल सकता। पाप, सब कुछ लूट गया माँ, मैं बर्बाद हो गया माँ, मैं बर्बाद हो गया। हो गया माँ, सब कुछ लूट गया माँ। बहना के दिल का दुलारा, सूरज ने देखा, चंदा ने देखा, सबको लगे कितना प्यारा। छोटा सा भैया हमारा, बहना के दिल का दुलारा। सहारा छोटा सा भैया हमारा, बहना के दिल का दुलारा। इतना प्यारा छोटा सा भैया हमारा, बहना के दिल का दुलारा।
दीदी आजकल तुम मुझे कुछ ज्यादा नहीं मारने लगी हो? तो कुछ नहीं, सिर्फ इतना ही कि पिछले 14-15 बरस में मैं बच्चे से जवान हो गया हूँ। नहीं नहीं, हो सकता है कि घर गृहस्थी के कामकाज में तुम्हें ये सब नोटिस करने का मौका नहीं मिला, लेकिन दीदी। अच्छा, तो आप बहुत बड़े हो गए हैं, लेकिन श्री अरुण शर्मा साहब एक बात याद रखिए कि आज भी मैं आपकी बड़ी बहन हूँ, लिहाजा वक्त आने पर आपकी मरम्मत करने का मुझे आज भी हक है। 16 आने सच। अरे गनी भाई, एक बार जवानी में मैं स्कूल मास्टर भी रह चुका हूँ और स्कूल में जिन बच्चों की मैंने ज्यादा पिटाई की वो ज्यादा बड़े हो गए। आदा बच्चा, आइए ना। जाओ बैठो। गनी भाई, वैसे आप किस स्कूल में मास्टर थे? वो स्कूल क्या है कि वो क्या स्कूल का नाम है? ओहो, अच्छा आपको अपने स्कूल का नाम तक याद नहीं? याद आ गया, तालीम इस्लाम स्कूल। अब्बा अब्बा, ये तो हमारे स्कूल का नाम है। बेटे, मैं उसी स्कूल में मास्टर था, इसको उस स्कूल में इसलिए डाला, देखिए ना कितनी होनार हो गई है। इधर आओ बेटे। बेटे, तुम्हारे स्कूल से बहुत बड़े बड़े लोग निकले हैं। अब देखो सुनील गावस्कर, इनके स्कूल का। अपने दलीप कुमार, इनके स्कूल का। अटल बिहारी वाजपेयी को लोना, वो भी तालीम इस्लाम स्कूल से निकले हैं बेटे। लेकिन अब हमारे स्कूल में तो खाली लड़कियां आती है। लड़कियां आती है, जब मैं वहां जाता था सिर्फ लड़के आते थे, जब मैं वहां से निकला तब वो लड़कियों का हुआ। जाओ केला खत्म करो। अच्छा दीदी, मैं चल के तैयार होता हूँ। सुमन बहन, आप इन्हें जल्दी से राखी बांध दीजिए, अगर इनके किस्सों में रहे तो सारा दिन खराब हो जाएगा आपका। आ जाइए। सुमन बहन, मैं हर साल ये कहता रहा हूँ और कहता रहूंगा कि आपने मामूली से टैक्सी ड्राइवर को भाई बनाकर इज्जत बढ़ा दी। क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं गनी भाई? अगर आपका सहारा न होता तो आज न जाने हम किस हाल में होते। अरुण शर्मा जिंदाबाद। अरुण शर्मा जिंदाबाद। अरुण शर्मा जिंदाबाद। क्या हुआ रवि? कांग्रेचुलेशन सर, आपको प्रमोशन मिला है। यू आर द चीफ इंजीनियर ऑफ द कंपनी, कांग्रेट्स। बधाई हो। मुबारक। थैंक यू वेरी मच। अरुण शर्मा जिंदाबाद। अरुण शर्मा जिंदाबाद। बहुत बहुत मुबारक हो। खुदा करे तुम्हारी तरक्की हर साल इसी तरह होती रहे। अच्छा मैं चलता हूँ, टैक्सी का टाइम हो गया है। चलो चलो भाई। अबे नाड़ी छोड़, चबाता क्या है। मुबारक हो मेरे चीफ इंजीनियर। दीदी, तुमने मुझसे वादा किया था कि जिस दिन मुझे तरक्की मिल जाएगी उस दिन से तुम नर्स की नौकरी छोड़ दोगे। लेकिन अरुण। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, बरसों तुमने रात दिन मेरे लिए मेहनत की है, अब मुझे तुम्हारी मेहनत की नहीं आशीर्वाद की जरूरत है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है अरुण, आज तो शुरुआत है। मेरी आंखों के सामने तो वो मंजर उभर रहा है जब तुम एक बहुत बड़े आदमी बनोगे। आप कौन सी बिल्डिंग तैयार कर रहे हो खुदा? 5-स्टार होटल है। आइए दिखाता हूँ कितनी आलीशान बिल्डिंग है। बरखुदार, तुम्हारी शान में कुछ खोट नजर आ रही है। कुछ समझा नहीं, क्या कह रहे हैं आप? नहीं समझे? रवि, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अरे खिड़कियों क्या हुआ? सर आपका हेलमेट कहाँ है? हेलमेट की क्या जरूरत है, मैं पूछ रहा हूँ खिड़कियों का क्या हुआ? सर तुम मुझे नर्वस क्यों करा रहे हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया ना, यही हुआ है खिड़कियों को। ये सब क्या है? सर वो सामने एक गोल्फ कोर्स है, वहाँ एक लड़की सुबह से गोल्फ सीख रही है। अरे तो जाकर बोल दे करी उसे। सर करोड़पति की लड़की है, बिल्कुल बददिमाग है, कहती है उसके बाप से जाके पैसे वसूल कर ले, और अब तक 11 कांच तोड़ चुकी है। 12 गनी भाई, आप मेरे साथ तो आइए।
गरीब भाई, आज तक आपने मेरी नरमी देखी है, गर्मी नहीं। मैं इस करोड़पति की बच्ची को ऐसा सबक। सबक मेरे शेर सबक याद हुआ जी। वो ये कि तुमको तो सबक याद हो गया, अब चलो चल के उसको भी सबक पढ़ा दे। नहीं गरीब भाई, मैं सोच रहा था लड़की से क्या उलझा जाए, आखिर उसने किया ही क्या है, एक शीशा ही तो फोड़ा है। बिल्कुल, बॉल तो गई शीशे पर मगर लगी इधर। और भैया याद रखो कि पहली नजर का प्यार होता बहुत खतरनाक है, और मैं भी इसका एक बार शिकार हो चुका हूँ। कुछ हुआ? हाँ, उसी से तो शादी हो गई। सच कनी भाई? पत्थर लगाइए। अरे मैं सुनते कर पत्थर लगाइए। अजीब ड्राइवर है, उतार पर बिना 100 लगा गाड़ी छोड़कर चले जाते हैं। घबराइए नहीं, खतरा टल चुका है, पत्थर लग चुका है। आप ठीक तो है ना? देखिए मैं आपको मैं घर तक छोड़ाता हूँ। आइए। पर खुदार, हम भी जवानी में लड़की को यही कहकर घुमाने ले जाते थे कि आओ तुम्हें घर छोड़ दूं। अगर आप न होते तो आज तो मेरा कचुम्मर निकल जाने वाला था। अभी भी सोचकर मेरे हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं जी। देखें जी हाँ, वाकई आप बहुत ठंडी हैं। मेरी तो अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि इतनी तेज रफ्तार से चलती है गाड़ी को अकेले आपने कैसे रोक लिया। देखिए हिंदुस्तानी जबान में एक लफ्ज होता है मर्द, जो हर किसी आदमी पर नहीं फपता। ये बात तो है, लेकिन आपको देखकर ऐसा तो नहीं लगता कि आप में इतनी ताकत है। आंटी जी, जो खालिस मर्द होता है ना, वो 24 घंटे अपनी मर्दानगी का ऐलान नहीं करता, बस किसी खास वक्त पर उसका इस्तेमाल करता है। ओ गॉड, क्या हुआ? मेरे कॉलेज का एक लड़का है, बॉक्सिंग चैंपियन क्या है, समझता है कि हर लड़की के साथ फ्लर्ट करने का उसे पैदाइशी हक है। He's such a boy. Hi, sexy. How are you, sweetheart? देखो मोंटी, तुम हद से आगे निकल रहे हो। Oh, come on, आरती. Stop it. हम लोग एक ही कॉलेज जाते हैं, एक ही क्लास में पढ़ते हैं, दो चार बातें कर ली तो क्या हर्ज है? क्यों जी,
Waiter. जी साहब. Get 3 bottles of beer. They call me Monty. आपकी तारीफ? इनकी यही तारीफ काफी है कि एक शरीफ आदमी है. वरना अभी तक तुम्हें उठाकर स्विमिंग पूल में फेंक देते. अच्छा, क्यों साहब? आपका ख्याल है कि आप मुझे उठाकर स्विमिंग पूल में फेंक देंगे? कहिए कहिए, बोलती क्यों बंद हो गई? जो खालिस मर्द होता है उसे 24 घंटे अपनी मर्दांगी का ऐलान नहीं करना पड़ता, सिर्फ सही मौके पर इस्तेमाल करता है. अच्छा अच्छा, तो आप सही मौके का इंतजार कर रहे हैं? जी नहीं, ये मेरा लिहाज कर रहे हैं, वरना अभी तक तुम्हारी बत्ती सी बाहर होती. वेरी गुड वेरी गुड. तो आप दोनों मेरी बत्ती से निकालने का प्रोग्राम बना चुके हैं. ठीक है, आज शाम को कॉलेज में बॉक्सिंग चैंपियनशिप तो है ही, वहां फैसला हो जाएगा कि कौन किसकी बत्ती से निकालेगा. तुम क्या समझते हो, ये तुमसे डरते हैं? बेशक. वेट अ मिनट. देखिए भाई, हम लोगों के बीच में बॉक्सिंग रिंग कहां से आ गई? देखो नौजवान, तुम पहलवान होने के बावजूद समझदार नजर आ रहे हो, फिर ये जरा सी बात पर मारा मारी क्यों? लातों के भूत बातों से नहीं मानते अरुण जी. आज शाम को आप जान का लेफ्ट राइट ले ही लीजिए. हाँ जी, वो तो मैं ले लूंगा, लेकिन मेरा एक असूल है कि मैं अपनों से छोटों पर कभी हाथ नहीं उठाता. वो तो बॉक्सिंग रिंग में मालूम पड़ेगा बच्चे कि कौन छोटा है और कौन बड़ा. अब बियर खोलो. आए तल्ला है. जरूरत पड़ेगी. नो प्रॉब्लम, टेक इट इजी. हाँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है भाई, बिरयानी दबाओ. आप करे परेशान ना हो, पिया जान पर बनाइए. अरे ज्यादा में ज्यादा क्या करेगा भाई, मेरी बोटी बोटी करके किलो के भाव बेच देगा. ला हौल विला कुव्वत इल्ला बिल्ला. अरे भाई तुम्हारा वास्ता गनी भाई से है, एक बार जवानी में मैं भी बॉक्सिंग चैंपियन रह चुका हूँ. गुर की बात सुनो, जब सामने वाला घूसे मारना शुरू करे तो चुपचाप खाते चले जाओ, कुछ मत करो, बस खाते चले जाओ. और फिर क्या, जब वो मारते मारते थक जाए तो तुम शुरू हो जाओ. वाह, क्या तरकीब सुझाई. और अगर वो ना थके तो? अरे उसका तो बाप भी थकेगा. सुनो, सुबह गाड़ी का ब्रेक मेरे हाथ में था ना, शाम को बॉक्सर का ब्रेक तुम्हारे हाथ में होगा, देख लेना. माय डियर स्टूडेंट, प्रेजेंटिंग आवर कॉलेज बॉक्सिंग चैंपियन मोंटी मल्होत्रा. मोंटी के साथ 3 राउंड का एग्जीबिशन मैच कर रहे हैं श्री अरुण शर्मा. हाय शाबाश, आगे अपना भी शेर आ गया है. हाय शाबाश. हाँ, ये देखो फार्मूला नंबर 1, 2, 3 और ये 4, याद रखना. Both boxers in the middle of the ring. 25. चलो. Shake hands. चल. Go, man. Go. Come on. अरे उतर 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 इधर का. अरे डक क्यों कर. शेर का लक्षण, शेर का, बकरी का नहीं, फार्मूला 4. okay. चिपका दे. ठीक. जा. आजा.
वन थ्री फोर फाइव वन एक ही मार में गिर गया। अरे कमाल कर दिया। अरे वाकई महान का बाप। वन टू थ्री फोर फाइव। मैं मैच रुकवा देती हूँ मगर मैच बंद इधर है इधर है। छोड़ो मुझे सुन तो सही। फॉर्मूला फॉर्मूला किधर है ला? अरे फॉर्मूला भी देता हूँ आरती इधर है। अरे बेईमान अरुण जी आप ठीक तो हैं ना? भाई इकट्ठे लड़ते हैं। हाँ आप चुप रहिए गनी भाई। नहीं मैं आरती हूँ आरती। एक एक करके आओ अरुण जी। राइट व्हाट डू यू वांट? आई वांट टू मीट योर चैंपियन। समझता है आप तो को अंग्रेजी नहीं आता है। मोंटी बहादुर तुम मर्द लगते तो हो मगर हो नहीं। क्या बकते हो? अरे, 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 अरे मेरा मतलब यह है कि हमारा चैंपियन ये बोलता है कि अगर तुमने माँ का दूध पिया है तो फाइट बगैर रेफरी के होनी चाहिए। क्या मतलब? मतलब ये कि फाइट उस वक्त खत्म होगी जब दो में से एक खत्म हो जाएगा। ठीक है बड़े मियाँ अपने पट्टे का आखिरी दीदार कर लो। इसके बाद वो दुनिया में ज्यादा देर नहीं टिकेगा। बात में तो दम है बॉडी में भी देख लेते हैं। बॉडी में भी दिखता है मगर थोड़ा ही सा। लेडीज एंड जेंटलमैन दोनों बॉक्सरों के दरखास्त के मुताबिक ये आखिरी राउंड बिना रेफरी के होगा। जल्दी से मेरे दूसरे शॉट्स लेके आओ। लेकिन क्यों? गो इडियट गो। रेफरी फाइट रोको। काशिमा कम ऑन।
द विनर बाय नॉकआउट, अरुण शर्मा ने मैच जीत लिया है। क्या कह रहे हो, यानी कि मामला चार दिन में फिट हो गया? अरे आ गनी भाई, मोहब्बत की गाड़ी दिल की पटरी पर 100 मील की रफ्तार से दौड़े चली जा रही है। क्या कह रहे हो? सच कह रहा हूँ गनी भाई, कल हम लोग पिकनिक के लिए मडालैंड जा रहे हैं। मडालैंड यानी कि मच्छरों की बस्ती? अरे रेत समंदर भरी जवानी, साथ रहेगा नारियल पानी। आहा, क्या काफिया फिट किया है। इसी बात पे मेरी तरफ से ये तोहफा रखो। ये क्या है? नहीं समझे, बंद करो। पानी है नारियल में थोड़ी सी भंग, पानी है नारियल में थोड़ी सी भंग, मोहब्बत की प्यारे फिर देखो उमंग। नहीं समझे? नहीं समझे, दिना दिन ताके दिना दिन, 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 दिना दिन। संभाल के अभी रसता है अनजाना। क्या हो गया मुझे पूछो न जाने जा, मिल गई तू फिर मुझे अपनी खबर कहां। फिर भी संभाल के अभी रसता है अनजाना। मंजिल को है पाना हो। क्या हो गया मुझे पूछो न जाने जा, मिल गई तू फिर मुझे अपनी खबर कहां। इस दिन सजेगी डोली, पर मैं तो दिल से अपने पिया की होली। पाकर भी जान मन अभी मुझको है तुझे पाना हो। Thank you.
अपने जालिम जहां की रस्म में तुम भी नहीं दुनिया को पहचाना संभाल के अभी रसता है अनजाना लगी दीदी वो क्या है कि मैंने सफाई करने वाली का इंतजाम कर लिया क्या मतलब दीदी वो क्या कि कमरा साफ करने अब समझ जाओ ना दीदी तुम्हीं ने तो कहा है कि मैं बचा नहीं रहा हूं बड़ा हो गया हूं सुमन जी हम ऊंच नीच को नहीं मानते आप लोग अमीर नहीं तो क्या शरीफ तो हैं और सियासत की दौलत बदला जवाब नहीं जितना खर्च करो उतना ही बढ़ती है तो बस फिर शुभ काम में देर किस बात की जब हमारी बड़ी लड़की बबली की शादी रणवीर के साथ होगी उसी दिन हम अपनी बिटिया आरती की शादी अरुण के साथ कर देंगे आप चुप रहिए जी शादी ब्याह का मामला है कोई मजाक नहीं बहन जी मैं तो साफ बात करने की आदी हूं अरुण हमें पसंद है लेकिन आप ही सोचिए इतना होनहार लड़का एक छोटी सी तनख्वाह के लिए कब तक बसों और ट्रेनों में धक्के खाता फिरेगा मैं आपका मतलब नहीं समझी सीधी सी बात है अब रोनी को ही देख लीजिए ये कौन सा खानदानी रईस है आज अगर चार आदमियों के बीच उठने बैठने लायक हुआ है तो हमारी वजह से वाकई आंटी ने मुझे जमीन से उठाकर आसमान पे बिठा दिया है जरा संभल कर बैठना गिर गए तो पानी तक नहीं मिलेगा गनी भाई इन हजरात की पकड़ और इनकम टैक्स की पकड़ एक जैसी है एक बार पीछे लग जाए तो जिंदगी भर नहीं छूटती क्या बात कही एक जलेबी उठा ली शुक्रिया आपको तो हर वक्त मजाक सूझता है ओहो सुमन बहन अगर हमने रोनी के लिए इतना कुछ किया है तो आपके भाई की भी जिंदगी बना देंगे अरुण बेटे शादी के बाद हम तुम्हारे लिए और आरती के लिए पड़ोस में एक बंगला बना देते हैं और अपनी कंपनी में मैनेजर का जॉब भी दे देंगे वाह आंटी आपकी दरियादिली का तो जवाब ही नहीं यू ग्रेट तो बात तय समझे ये लीजिए लीजिए मीठा कीजिए आप भी क्यों क्या बात है शांति बहन अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहती हूं अरुण पढ़ा लिखा है मेहनती है अगर भगवान ने चाहा तो ये खुद तरक्की कर लेगा और अगर आरती इस घर में लक्ष्मी बनकर आए तो मोटर बंगला ना भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्यों आरती देवी 1200 रुपए तनख्वाह में इस किराए के मकान में बसों और ट्रेनों में मेरे साथ गुजारा करना पसंद करेंगे हाँ। बल्ला जवाब नहीं अब तो सिर्फ एक बात रह जाती है और वो है मुंह मीठा करने की क्यों ठीक है ना आपको चमचे की क्या जरूरत है हाथ से उठाइए मैंने अमीरी गरीबी से नहीं
अरुण से प्यार किया है। मैं शादी करूंगी तो उसी से करूंगी। मुझे गलत मत समझो आरती, मैं शादी के खिलाफ नहीं हूँ। मेरी नजर अरुण पे नहीं, उसकी बहन पर है। मुझे तो उस घर में सिवाय उसकी बहन की और कोई नजर नहीं आया। जहां देखो बस सुमन का ही नाम तराशा हुआ है। तुझे उस घर में तो जगह मिल जाएगी लेकिन अरुण के दिल में नहीं। तुम उसे पाके भी अकेली रह जाओगी। आपका मतलब है जिस घर में बहन हो वहां कोई पत्नी बनकर नहीं जा सकती? मम्मी, पति पत्नी का रिश्ता जितना नजदीका होता है उतना दुनिया का कोई और रिश्ता नहीं हो सकता। ठीक है, मैं तुझसे जबरदस्ती नहीं करूंगी, लेकिन याद रख तेरा ये विश्वास तुझे धोखा देगा और एक दिन तू रोती हुई मेरे ही पास वापस आएगी। यहाँ शाम के वक्त सब्जियां हमेशा सस्ती मिलती हैं। सिर्फ इतना ख्याल रखना पड़ता है कि बासी ना हो। तू ये धीरे धीरे समझ जाएगी। अच्छा दीदी, आप मुझे स्टोव जलाना सिखाएंगी ना? हाँ। हेलो आरती। हाय सबीना। कहाँ जा रही हो? आ, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। आओ दीदी। तू बस स्टॉप पे क्या कर रही थी? टैक्सी नहीं मिली क्या? हाँ हाँ यार, आधे घंटे से टैक्सी ढूंढ रहे थे, फिर सोचा बस की लाइन में खड़े हो जाते हैं, जो पहले आ जाए टैक्सी या बस। अच्छा सुन, कल रात को मेरे घर पार्टी है, तू जरूर आना। ठीक है। स्लीपिंग ब्यूटी। अरे क्या सोच रही हो? अरुण, मुझे एक बहुत अच्छा आइडिया आया है। आइडिया तो मुझे भी बहुत अच्छा आया है। अच्छा, तो तुम पहले बताओ। नहीं। क्यों? तुम पहले कान इधर लाओ। वो ये है कि तुम पपी दे दो। स्टुपिड। अरे आरती, वो क्या है कि तुम अपना आइडिया बता दो। अरुण, जब हमारी शादी हुई थी। हाँ, जब हमारी शादी हुई थी तब तुमने नई नवेली दुल्हन के लाल लिबास में मेरे सपनों की दुनिया में कदम रखा था। तुम कहो। मैं कह रही थी कि शादी के वक्त। अरे हाँ, शादी के वक्त बहुत ही बेकरार था, क्योंकि उस रोज हमारे बीच की दूरी मिट जाने वाली थी और वो दूरी मिट भी गई थी, लेकिन अब जाने कहाँ से ये दूरी पैदा। नहीं, तुम कहो। मैं कह रही थी कि शादी के वक्त हमें प्रेजेंस में 22,000 रुपए भी मिले थे। हाँ मिले थे। अच्छा। मैं सोच रही थी उन 22,000 रुपयों से क्यों ना एक सेकेंड हैंड गाड़ी खरीद ले। तब तक दीदी और मैं बसों में धक्के खाते रहेंगे। ठीक है, मैं खरीद लेते हैं। मैं कल दीदी से पूछ लूंगा, फिर गाड़ी खरीद लेंगे। तुम्हें लगता है वो मान जाएंगी? मान जाएंगी, जरूर मान जाएंगी। अरुण, अरे मन में बात हो गई, नखरे मत करो। गाड़ी तो तुम खरीद लोगी आरती, लेकिन आजकल गाड़ी मेंटेन करने के लिए भी तो महीने के 300-400 रुपए लग जाते हैं। ये बात तो ठीक है। दीदी, अरुण कह रहा था कि आप हर महीने 200-250 रुपए बचा लेती हैं। अगर इतने पैसे बच जाते हैं तो खींच तान कर 300-400 भी निकल सकते हैं ना? हाँ दीदी, ये बात तो ठीक है। जितना आसान तुम समझती हो उतना आसान नहीं है आरती। आधी से ज्यादा तनख्वाह तो राशन और घर के किराए में लग जाती है। भाई, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन मेरी मानो,
तो ये पैसे कुछ देर संभाल के रखना, न जाने कब काम आ जाए। हाँ दीदी, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। ऐसा करते हैं, बैंक में मेरा और तुम्हारा जो जॉइंट अकाउंट है ना, ये पैसे उसमें रख देते हैं। अरे सारी जिंदगी पड़ी है, कार क्या हम लोग ले लें, ट्रक खरीदेंगे, तुम मेरे साथ अगली सीट पर बैठना। स्विट्जरलैंड भी बहुत खूबसूरत था, और लंदन में तो मैं इतनी शॉपिंग कर रही हूँ आरती कि मैं तुम्हें बता ही नहीं सकती। काश तुम दोनों भी हनीमून के लिए रॉनी और मेरे साथ आए होते, बड़ा मजा आता। अरे आरती, तुम यहाँ अंधेरे में क्यों बैठी हो? बस यूं ही। बेटी जा इधर हो जाना, चलो बच्चों जल्दी कुर्सी हटाओ, प्रोग्राम शुरू हो गया, चलो चलो चलो। सुमन बहन, आपके घर टीवी आया, बस मजा आ गया। अरे हाँ आरती, आज तो तुम्हें पार्टी पे जाना था ना, अभी तक गई नहीं? रहने दो दीदी, कोई तोहफा या गुलदस्ता खरीदने गई तो खामखा 20-25 रुपए खर्च हो जाएंगे। शायद वही 20-25 रुपए घर के कुछ काम आ सके। चले चाय बना। कहाँ जा रहे हो? अनी भाई के यहाँ। अच्छा सुनो, इसे अलमारी में रख दो। अरुण, मैंने घर की चाबियां आरती को दे दी है, आज से घर वो संभालेगी। ये तनख्वाह भी उसी को दे देना। तबीयत तो ठीक है ना? क्या मतलब? मतलब यह है कि अगर ये तनख्वाह मैंने आरती के हाथ में दे दी तो 15 दिन में ही खर्च हो जाएगी। घर का दिवाला निकलवाना है क्या? सर पे जब जिम्मेदारियां पड़ जाती हैं तो सब अपने आप ठीक हो जाता है। जाके देख कितनी खुश है, तुम्हारे कमरे को सजाए कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है बेचारी। जा। लेकिन दीदी। जा ना। वो ये सब। जा। अच्छा बाबा। यहाँ क्यों आए हो? भाई ने चप्पल मांगा है। वो लो और जाओ। चप्पल मांगा है, भाभी गुस्सा हो रही है। तू जाके लस्सी भी बैठे। अरुण डार्लिंग, इधर आओ ना। आती डार्लिंग, मुझे थोड़ा काम है, मैं खत्म करके आता हूँ। हाँ कोई खुशखबरी है क्या? पैर में मोच आ गई। क्या? पैर में मोच आ गई? तो ऐसा करो, दवा दीदी के कमरे में रखी है, जाकर ले लो। अरे वहां तो कैसे चलूंगी? प्लीज तुम लाओ ना। मैं लाऊं? यानी दवा भी मुझे ही लानी पड़ेगी? ठीक है बाबा, लेके आते हैं, चलो। ओ, ई,
डार्लिंग तुम लगा दो ना। कितना आराम आ रहा है। डार्लिंग तुम्हें हमारा कमरा कैसा लगा? बहुत अच्छा। वाह तुम फिर यहाँ आ गए हो? इडियट फूल स्टूपिड मर गया। और ऊपर से सांप की नकल करते हो गधे की बच्चे। और दोबारा मेरे कमरे में आए तो हाथ पैर तोड़ दूँगा। ए सुन अरुण प्लीज ना अंदर आओ। बोला ना टाइम नहीं है। Thank you.
जाऊंगी, सांभर के नगर चली जाऊंगी, अगर नहीं आऊंगी पलट कर सजना मेरी चाबी की, सजना सुन सुन मेरी चाबी की, तेरी नजरों की दासी कभी थी मैं तेरी दासी, अब हूँ मैं तेरी मालिक सुन। भाभी क्या है? तू भी अपना पैसा मांग रहा है, उसे बोला अगले महीने ले जाए। बनिया भी आया था। हाँ उसे भी अगले महीने दे देंगे। तुम घर दीदी को क्यों नहीं चलाने देती? चुप, बहुत बोलने लगे हो। अरे माँ आ गई है, देखो चिंटू ये फ्रिज में रख देना और किसी को खाने मत देना, चलो जल्दी। Hello, Mama. Hi, Bitty. Hi, Bubbly. Hi, Auntie. Hi, beautiful girl. You look fine. Touch wood. Aye, come on, wifey. Aao, Mama. An evening in Paris. Chalo, Mama. Bedroom mein baithte hain. Aao, come. Hi, Aunt. लगता है तुम्हें शादी में टीवी देके हमने बहुत गलती की, यहाँ तो सारा मोहल्ला इकट्ठा हुआ हुआ है। हाँ आंटी, तुम इन अजीब टाइप के लोगों को घर में क्यों घुसन देती हो? क्या फर्क पड़ता है, बेचारे दीदी और अरुण के बहुत पुराने दोस्त हैं। तो क्या हुआ, अगर रॉनी के दोस्त मुझे पसंद नहीं आए तो मैंने जूते मार के घर से बाहर निकाल दूंगी। My dear only wife, जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे और किसी की जरूरत नहीं। Naughty. लालू देखो कितने अच्छे अच्छे गुलाब जामुन हैं। देखो रसगुल्ले भी हैं। चलो सब मिलके खाएंगे। अच्छा भाई बातें तो बहुत हो चुकी, अब कुछ खातिर भी करोगी या नहीं? नहीं, पहली बार तुम्हें घर बुलाकर सिर्फ पानी पिलाकर वापस भेज दूंगी। How sweet. एक मिनट, मैं भी आई। Your daughter. आंटी, ओ आंटी डियर, आपको तो पसीने आ रहे, क्या हो रहा है? ठहरिए मैं एयर कंडीशन ऑन कर देता हूँ। ओहो मैं तो भूल ही गया, इस घर में पंखा भी नहीं है। लेकिन पंखा आर यू? थैंक यू। चिंटू क्या हुआ? कहाँ रखा? मैंने तो यहीं रखे थे। तो फिर कहाँ गया? अरे अब्बा, गनी भाई इन बच्चों को क्या सिखाया आपने, यही बदतमीजी? क्या हुआ बेटे? क्या हुआ, यही काफी नहीं कि यहाँ 24 घंटे जमकर लगा रहता है, अब घर की खाने पीने की चीजों पर भी हाथ मारना शुरू कर दिया। आरती होश में आओ, जरा सोचो तुम किससे बात कर रही हो। सुमन मैम, आरती बेटी ठीक ही कहती है, बच्चे वाकई बहुत बिगड़ गए। अच्छा मुझे माफ कर दीजिए, चलो। आरती तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, अनी भाई के हमारे संबंध अपनों से ज्यादा हैं। तो फिर मैं गैर हूँ, मुझे कुछ कहने का हक नहीं? मेरी हर बात बुरी लगती, लेकिन ये बात बुरी नहीं लगती कि किसके लिए चीज आई और कौन निकल गया। दीदी आपको सोच समझ के बात करनी चाहिए थी। आरती बहुत हो चुका, दीदी के साथ बदतमीजी करने की कोई जरूरत नहीं। हाँ हाँ तुम तो दीदी की ही तरफदारी करोगे, सारी गलती मेरी थी ना? किसी की भी हो लेकिन धंधा में कोई बात नहीं है। अरे चीजें खत्म होगी तो और मंगवा लो। कहाँ से मंगवा लू, कौन सी लाखों की कमाई है तुम्हारी? माफ करना, खामखा हमारी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ हुई। तकलीफ मुझे नहीं इनको हुई है। आप लोग प्लीज यहाँ से चले जाइए और आइंदा मुझसे मिलने मत आइए। अब फिर से यहाँ आने का सवाल ही कहाँ पैदा होता है, अपनी बेइज्जती करवाने का दोबारा आएंगे। चलो बाय आंटी। नमस्ते बहन जी। नमस्ते भाई साहब।
आपके सर्टिफिकेट तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन 15 साल विलिंगडन हॉस्पिटल में नौकरी करने के बाद आपने छोड़ी क्यों? जी उस वक्त जरूरत कुछ कम थी, लेकिन अब हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि, और फिर मैंने सोचा कि आपका ये नया अस्पताल बना है, आपको नर्सेस की जरूरत होगी। ठीक है, आप अपना एड्रेस नोट कर दीजिए और परसों से काम पर आ जाइए। जी अच्छा, शुक्रिया। गाड़ी कितने में वापस लाऊं? आज काम कुछ ज्यादा है, 6 बजे ले आना। लो भाई, तुम्हारा दफ्तर आ गया। गनी भाई, आरती की बात का बुरा मत मानिएगा, वो बहुत शर्मिंदा है। खुद उसने मुझसे कहा है कि मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांग लूं। अरे भाई, मुझे मालूम था यही होने वाला है। एक दफा जवानी में मैंने हलवाई की दुकान पर भी काम किया था, तो वहां ये तजुर्बा हुआ कि औरत और दूध बिल्कुल यकसा है। जितनी जल्दी दूध में उबाल आता है, उतनी जल्दी दूध ठंडा भी हो जाता है। खुदा हाफिज। ओके। पिछली बार आपकी कंपनी को नुकसान हुआ, लेकिन बिलीव मी मिस्टर मुरलीधर, आप मुझे सिर्फ एक मौका और दीजिए, आपको मेरी कंपनी के सप्लाई किए हुए सामान से इस बार कोई शिकायत नहीं होगी, मैं इसका आपको यकीन दिलाता हूँ। वो तो ठीक है नांग साहब, लेकिन आप जरा सोचने की कोशिश कीजिए, हमारी भी कुछ मुश्किलें हैं, अब आपको कैसे समझाऊं? बड़ी जल्दी समझ गए आप? तो इसका मतलब है मेरा काम हो जाएगा? श्योर। थैंक यू। मुरली, ये जो कुछ भी तुम कर रहे हो तुम जानो, लेकिन ये मुरली तुम अपने कमरे में जाकर क्यों नहीं बजाते? राजा हरिश्चंद्र जी, बुजुर्ग कहे गए हैं कि पाप करने का मजा जो एक पवित्र स्थान पर आता है और कहीं पर नहीं आता। एक्सक्यूज मी, स्टूपिड। हेलो मिस्टर शर्मा, आपको भटनागर साहब बुला रहे हैं। आई एम कमिंग। अरुण, दुबई में 300 बिल्डिंग बनाने की स्कीम जो हमने सबमिट की थी, वो पार्टी को बहुत पसंद आई। बैठो। थैंक यू। परसों दिल्ली में एक आखिरी इंटरव्यू है, कल शाम की फ्लाइट से तुम्हारी सीट बुक कर दी गई है। अगर इस इंटरव्यू में हम कामयाब हो गए तो अगले महीने तुम दुबई के लिए रवाना हो जाओगे। राइट सर। क्या बात है, तुम खुश नजर नहीं आ रहे। अरे भाई, इसमें कंपनी को कुछ नहीं तो 3-4 करोड़ का फायदा होगा। मैं खुश हूं सर, कंपनी का इतना फायदा होगा, इतना नाम होगा, मैं खुश क्यों ना होगा सर। अरे हाँ, एक बात तो बताना भूल ही गया, इस फायदे में से तुम्हारा भी हिस्सा होगा, 5%। 5% यानी कि? यानी लाखों का फायदा तुम्हारा भी। लाखों का फायदा? लाखों का फायदा? लाखों का फायदा? लाखों का फायदा? तेरी शान जब तू मेहरबान, राह की धुन हो तो बने आसमान। अल्लाह तेरी शान जब तू मेहरबान, राह की धुन हो तो बने आसमान। अल्लाह Thank you.
बदली तो समझो किस्मत मेरी रंग लाई। अपनों की किस्मत बदली तो समझो किस्मत मेरी रंग लाई। मुझसे जहां वालों झुक झुक के मिलना है लखपति मेरा भाई। मेरे संग लोगो बोलो बोलो बोलो, मेरे संग लोगो बोलो बोलो बोलो। अल्लाह तेरी शान जब तू मेहरबान, राह की धूल हो तो बने आसमान। अल्लाह सब कोई बोलो। अल्लाह तेरी शान जब तू मेहरबान, राह की धूल हो तो बने आसमान। अल्लाह तेरी शान जब तू मेहरबान, राह की धूल हो तो बने सॉरी, मैंने खामखा आपको तकलीफ दी। आप मेरी नौकरी किसी और को दे दीजिए। लेकिन हुआ क्या मिस शर्मा? बात यह है कि मेरे भाई को एक बहुत अच्छी नौकरी मिली है और मुझे काम करने की जरूरत नहीं। अच्छा, तो आप ऐसा कीजिए, रेजिग्नेशन लेटर पे मेडिकल सुपरिटेंडेंट के सिग्नेचर ले लीजिए। आप इधर से जाइए, आखिर में उन्हीं का केबिन है। अच्छा, शुक्रिया। जमुनादास मेमोरियल हॉस्पिटल। गुड इवनिंग सर।
ये सब क्या है? मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगी। ठीक है, मुझे सिर्फ इतना बता दो कि तुम्हें ये ढोंग करने की क्या जरूरत थी? आखिर मेरा क्या कसूर था? बोलती क्यों नहीं, कुछ तो बोलो। मैं जवाब नहीं दूंगी। तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। क्या कर रहे हो रवि? कोई देख लेगा। सुमन, तुम्हारे एक इशारे पर मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाता, फिर तुमने ये झूठ का सहारा क्यों लिया? तुमने ये झूठ का सहारा क्यों लिया सुमन? तुमने ये झूठ का सहारा क्यों लिया सुमन? जवाब दो। जवाब तुम्हारी माँ के पास है। क्या माँ इस बारे में? थैंक गॉड, मैंने समझा था आज भी कम से कम आधा घंटा मुझे हॉस्पिटल के बाहर आपका इंतजार करना पड़ेगा। चलिए जल्दी चलिए, बहुत देर हो रही है। रूपा, वो क्या है कि मैं कुछ जरूरी काम में फंस गया हूँ। मैं तुम चलो, मैं पहुंच जाऊंगा। ओफो डॉक्टर साहब, कभी तो अपनी मेम साहब के लिए थोड़ा सा टाइम निकाला करिए, या कहिए तो मैं खुद पेशेंट बनकर हॉस्पिटल में दाखिल हो जाऊं। ऐसी भी क्या बात? अच्छा देखिए, ये टिकट रख लीजिए और जितनी जल्दी हो सके पहुंच जाइए। जरूर पहुंच जाऊंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। बाय बाय बाय। चलो मेरा क्या कसूर था? क्या कसूर था? क्या कसूर था? तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। बोलती क्यों नहीं, कुछ तो बोलो। तुमने ये झूठ का सहारा क्यों लिया सुमन? जवाब दो। तुमने ये झूठ का सहारा क्यों लिया? तुम्हें जवाब देना पड़ेगा सुमन। जवाब दो। तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। जवाब दो। दीदी, डॉक्टर, डोंट गेट अपसेट अरुण, घबराने की कोई बात नहीं, लेट्स गो आउट। डॉक्टर साहब, मैंने कहा ना घबराने की कोई बात नहीं, थोड़ी सी चोट आ गई है, शॉक की वजह से बेहोश है। कोई कॉम्प्लिकेशन का चांस तो नहीं? लगता तो नहीं है। डॉक्टर साहब, होश कब तक आ जाएगा? ये तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन अरुण तुम इतना डर क्यों रहे हो? हम तुम्हारी बहन का पूरा ख्याल रखेंगे। सिस्टर, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ओके, एक्सक्यूज मी। टेक इट इजी सन, अब तुम्हारी बहन को कोई खतरा नहीं। समझ में नहीं आता ये एक्सीडेंट हुआ कैसे। मेरे ख्याल से अब चलना चाहिए। जी, प्लेन का वक्त हो रहा है। आई एम सॉरी सर, जब तक मेरी बहन को होश नहीं आ जाता मैं दिल्ली नहीं जा सकता। ये क्या कह रहे हो अरुण? अगर तुम नहीं गए तो? आई सेड आई एम सॉरी, इंटरव्यू दीदी से ज्यादा जरूरी नहीं है। अच्छा एक काम करते हैं, मैं सामान लेके एयरपोर्ट पहुंचता हूं, प्लेन के उड़ने में अभी एक घंटा बाकी है, अगर तुम वक्त पे पहुंच गए तो ठीक है, नहीं तो मैं मुरलीधर को भेज दूंगा। ओके ठीक है सर। लेकिन अरुण, तब मुझे मजबूरन उसी को ही दुबई भेजना पड़ेगा। मैं समझता हूं सर, प्लीज कैरी ऑन। रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। मिसेस शर्मा,
देखिए, अरुण एक मेहनती लड़का है और मैं चाहता हूं कि उसकी मेहनत का फायदा उसी को हो। आप उसे जरा समझाइए, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। अरुण, एक बात कहूं, आज तुम अपने करियर के जिस मुकाम पे खड़े हो, वहां तक तुम्हें पहुंचाने में दीदी का कितना बड़ा हाथ है, ये तुमसे ज्यादा कौन जानता है। क्या ये तुम्हारा फर्ज नहीं कि तुम इस मौके का फायदा उठाकर दीदी के सभी अरमान पूरे करो? बात समझने की कोशिश करो आरती, ये मेरी बहन है जो इस वक्त जख्मी हालत में पड़ी है। अगर इसकी जगह तुम्हारी माँ होती तो क्या तुम इसे छोड़कर चली जाती? अगर हालात यही होते तो जरूर जाती। प्लीज, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता, मुझे माफ कर दो। नहीं अरुण, मैं तुम्हें अपने हाथों से अपना सब कुछ तबाह करने नहीं दूंगी। तुम एक बच्ची नहीं हो जो जिद लेकर बैठ जाओ, एक शादीशुदा आदमी हो, तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। मुझे मेरी जिम्मेदारियां मत सिखाओ। ऐसी कौन सी आफत आ जाएगी अगर मैं नहीं गया तो? और फिर हम भूखे तो नहीं मर रहे? और मानो का गला घोंटकर जीने से तो मरना ही अच्छा है, ये भी कोई जीना है? अच्छा खा नहीं सकते, अच्छा पहन नहीं सकते, किसी को एक वक्त खाने पर बुला भी नहीं सकते। मेरी सोसाइटी के दोस्त जब मुझसे हमदर्दी जताते हैं तो मुझे अपने आप से नफरत होने लगती है। ये सारी बातें तुम्हें शादी से पहले मालूम थी। अगर तुम्हें अपनी सोसाइटी से अलग होने का इतना अफसोस हो रहा है तो मुझसे शादी क्यों की थी? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी और अपनी जिंदगी में खुशी और आराम नहीं देखना चाहती। जरा सोचो अरुण, कुछ ही देर पहले हमने क्या क्या सपने नहीं देखे थे। तुम्हारे सपनों के लिए मैं अपनी जिंदगी भर के रिश्ते नातों की पली नहीं चढ़ा सकता। मुझे शर्म आ रही है तुम्हें समझाते हुए, ये जानते हुए समझते हुए कि दीदी मेरे लिए क्या है। दीदी के अलावा क्या इस दुनिया में और कोई नहीं? क्या मैं तुम्हारी बीवी नहीं? क्या कल हमारे बच्चे नहीं होंगे? क्या हमारी तरफ तुम्हारा कोई फर्ज नहीं? बस करो, बस करो, मैं तुम्हारे हाथ छोड़ता हूँ। इस वक्त यहाँ तमाशा करने तमाशा! को तमाशा! और नहीं तो क्या, अभी दो घंटे हुए नहीं, उसे बेहोश पड़े हुए और दीदी बेहोश है, मर नहीं गई। आखिरी बार पूछ रही अरुण, तुम जाओगे या नहीं? मैं एक ही बात को बार बार दोहराने का आदी। जवाब देने से पहले मेरी बात पूरी तरह सुनोगे? अगर इस बार भी तुमने जाने से इनकार किया तो मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। हाँ, हमेशा के लिए चली जाओ यहां से। मिस्टर शर्मा, आपकी बहन को होश आ गया है, प्लीज कम इन। दीदी, आप कैसी तबीयत है? अभी ठीक है। आरती नहीं आई? हाँ, आरती चली गई। क्या मतलब? अभी आराम करो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। मत रो बेटे, मत रो, सब ठीक हो जाएगा। पबली, तुम और आरती कुछ दिनों के लिए कश्मीर चले जाओ, हवा पानी भी बदल जाएगा और इसकी तबीयत भी बहल जाएगी। और सुनो, जब तक मैं तुम्हें वापस ना बुलाऊं, तुम वापस मत आना। मत रो बेटे, मत, चुप हो जाओ। आरती का गिला जायज है, लेकिन इतनी सी बात के लिए कोई अपना घर तो नहीं छोड़ के जाता। मुझे यकीन है जब आरती लौटेगी आप उसे वापस भेज देंगी, ताकि वो फिर से
तंगी और गरीबी की जिंदगी इख्तियार कर ले और पैसे पैसे के लिए दिन रात मोहताज रहे। ये क्या कह रही हैं आप? बहुत गुरूर था ना आपको अपने भाई की काबिलियत पर, नतीजा देख रही हैं, आपके सामने है। एक छोटे से वहम की खातिर उसने अपने हाथों अपनी जिंदगी का नक्शा ही बिगाड़ दिया। कोई मौका आखिरी मौका नहीं होता, अल्लाह ने चाहा तो अरुण को अपनी जिंदगी बनाने का फिर मौका मिलेगा और फिर वही अंजाम होगा। अरुण का सारा ध्यान आप में लगा रहता है, अगर उसे दोबारा मौका मिल भी गया और आपको फिर से कुछ हो गया तो वह सब कुछ छोड़ छाड़ के फिर से आपकी सेवा में लग जाएगा। नहीं सुमन जी, अरुण अपनी जिंदगी में कभी कुछ नहीं बन सकता और मैं अपनी बेटी आरती की जिंदगी उसके साथ बर्बाद नहीं होने दूंगी। तो क्या आप हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ना चाहती हैं? मैंने ये तो नहीं कहा, अगर आप चाहें तो अरुण अब भी हमारे घर में रह सकता है, यहां उसे जिंदगी की हर वो खुशी नसीब हो सकती है जो उसे आपके घर में नहीं मिल सकती, रानी की तरह। अरे कुत्तों के लिए तो फॉरेन शैम्पू, हमारे लिए लाइफ बॉय साबुन भी नहीं। ओ, 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 अरे भगवान, पापी पेट के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता है। फिलोमिना माटलो, आंटी जी, मैंने कुत्तों को तो नहला दिया, मैं अभी अपने आप को नहलाने जा रहा हूँ। रानी, तुम्हें इस घर में कोई तकलीफ तो नहीं है ना? आंटी जी, आपके होते हुए किसी को तकलीफ हो सकती है, ना मुझे ना कुत्तों को। नमस्ते फिलोमिना। शांति बहन, मेरे जीते जी अरुण आपका घर जवाई कभी नहीं बन सकता। नमस्ते। सुमन बहन, अरुण को अगर ये चांस दोबारा मिल जाए तो मैं समझता हूँ कि सारी मुश्किलें खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। वो चांस किसी और को मिल चुका है। सुना, वो आदमी तेरा है। सुमन बहन, तुम एक काम करना, अरुण को अभी सिर्फ ये कहना कि आरती बंबई से बाहर गई हुई है और वो आएगी जब फैसला करेंगे, और हो सकता है जब तक कुछ ना कुछ ठीक हो ही जाए। मिस्टर मुरलीधर, आपका नाम पिंटो है। बोलिए मिस्टर पिंटो, हम आपके लिए क्या कर सकता है? अपन को पता चला है कि तुम दुबई आदमी लोग को काम का वास्ते लेके जाता है। लेके जाता है। अपन का तीन छोकरा लोग है, तीनों बहुत अच्छा कारपेंटर है। देखो, अच्छा हो या बुरा, बिगर पैसे लिए हम नहीं लेके जाता है। आप उन देगा मैन, जितना बोलेगा उतना देगा। ठीक है, एक एक आदमी के पीछे 5,000-5,000 रुपए लेगा। ये तुम क्या कर रहे हो? हमारे आदमी ऐसा नहीं कर सकते। आपको यकीन नहीं आता होएगा तो कल शाम को खार जिमखाने में 5:30 बजे आकर अपना आंखी से देखो ना। पिंटो साहब, लक्ष्मी का दर्शन अजिन तलक नहीं हुआ? होएगा, होएगा। पहला थोड़ा ऐश पिच्छू कैश, रीजन ये कि उसका अभी राइट टाइम मुहूर्त करना ही आया। अच्छा, अच्छा, बड़ा पिनु लाओ। आपके लेंगे सर? डबल मस्का लगा के सिंगल पाओ। मीनू प्लीज, मीनू, मीनू भी चाहिए। थैंक यू सर। व्हाट अ लवली स्विम। फाइन। पेंटर साहब, माचिस हो गया आपके पास? नहीं भाई साहब, माचिस हो गया आपके पास? बदतमीज। ओ मुरली, कहाँ थे मेरे बचपन के दोस्त? अरे रानी, ओ ऐसी ऐसे मजे कर रहे हो? घरवाली को मत बता रहा। अरे मुरलीधर, सुनाया तुम्हें बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, मुबारक हो। दोस्तों की मेहरबानी है। दोस्तों की भी और मेरे बेवकूफ साड़ू की भी। रानी,
कल मेरे घर एक छोटी सी पार्टी है, जरूर आना। अरे तुम बुलाओ और हम ना आए कैसे हो सकता है? 8:30 बजे। ओके। बाय द वे रानी, अपनी मिसेस को नहीं लाना। अरे इतना बेवकूफ, इसीलिए तो मैंने उसे कश्मीर भेज दिया है। इसीलिए मजे कर रहे हो प्यारे? इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे साथ। मेरे बचपन के साथी शेर अपना शिकार खुद करना जानता है। एक्सरसाइज बहुत अच्छा, एनी टाइम करने को सकते हैं। ये बात है, वेरी गुड। अरे रानी कहाँ जा रहे हो? भूख लगी है, जरा एक निवाला खा के आता हूँ। अरे खाने का इंतजाम यहाँ पर भी है भाई, समझा करो उधर। अरे यार कभी यारों दोस्तों के साथ भी बैठा करो। कमान कमान, खाना तो अच्छा ही लग रहा है। अरे बिल तो भर दिया है कि नहीं? बिल्कुल भरा हुआ भाई। लो दिस इज वेरी गुड। खाने के पहले प्रेयर कर लेते हैं। ओ क्रिश्चियन क्रिश्चियन, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। गनी भाई, भटनागर सेठ के आने से पहले इस मुसीबत को यहाँ से सरकाओ, वरना सारा मामला चौपट हो जाएगा। मेरे पेट में गड़बड़ है, मैं जरा चलता हूँ। ये भाना अपने साथ नहीं चलेगा, समझे? बैठो। हाँ यार, लड़कियों की दोस्ती ये तो धूप शाम की तरह है, कभी आती है कभी जाती है, कभी यारों की यारी भी आजमा कर देखो। बस बोली, बहुत हो गया। अरे बहुत कहाँ, अभी तो शुरुआत हुई है भाई। ये शुरुआत है तो आगे क्या होगा? अरे वो तो कल रात की पार्टी में देखना, तुम्हारे लिए मैंने क्या क्या इंतजाम किया है। वो तो मैं समझ गया। बिल्कुल सच समझ रहे हो जाने मन। ये तो अच्छा हुआ कि तुम्हारी बीवी नहीं यहाँ पर। रात भर पार्टी चलेगी प्यारे। लेकिन मुरली भाई, तुम बार बार मेरी टांग क्यों नोच रहे हो? हमारा प्रेमी कंप्लीट नहीं होने दिया। अरे गनी भाई, तुम गनी भाई? कौन गनी भाई? छोड़ो मजाक। अरे मुरली भाई, मैं इनको अच्छी तरह से जानता हूँ। ये मेरे साड़ू अरुण शर्मा। मुहूर्त आ गया, आ गया। चलो चलो। मिस्टर मुरलीधर, अपुन का 3 बच्चा लोग को अपने साथ दुबई लेके जाने का 6,000 रुपया। क्या बात करता है मिस्टर पिंटो, 6,000 का बात नहीं, 15,000 का बात हुआ था। 15,000 क्या बात करता है रे? 15,000 6,000 बोला था, अब 6,000। सर आप, बात ना 6,000 की थी ना 15,000 की। मिस्टर मुरलीधर, यू आर डिसमिस्ड। सर कल का पार्टी तो कैंसिल नहीं है ना? शट अप। बहुत अच्छे, माल अंदर करो। Thank you.
तेजी भर के देख लो, पता नहीं ये मौका फिर कितने दिन बाद आएगा। परसों जब तुम्हारी उम्र रहेगी ना मेरी, तब भी तुम मुझे ऐसी लगोगी। रजिस्टर में तुम्हारा पता लिखा हुआ था, मैं अभी अभी शिमला से आ रहा हूं। मां ने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया। तुम्हारे साथ जो सुलूक हुआ है उसके लिए मैं बहुत ही, मैं अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सब कुछ भूल चुकी हूं, मुझे कुछ याद नहीं है। बेहतर यही होगा कि तुम भी उसे भूल जाओ। क्या मुझे इतना भी हक नहीं कि मैं तुम्हारी किसी तरह कुछ मदद कर सकूं? आखिर हम लोग, तुम समझते क्यों, तुम समझते क्यों नहीं रवि, मैं मनुष्य हूं, मैं मनुष्य हूं। मैंने अपने भाई का घर तो उजाड़ कर रख दिया, हमारे अतीत की परछाई तुम्हारी बसी बसाई जिंदगी को भी तबाह करके रख देगी, क्या इसी के बाद तुम्हें चैन आएगा? ये कैसी बहकी बातें कर रही हो सुमन, तुम्हें आखिर क्या हो गया है? कभी तुम्हारी वजह से किसी का घर उजड़ सकता है? सुमन क्या हुआ? चक्कर सा आ गया। चक्कर? जहां तक मेरा ख्याल है सिर्फ कमजोरी है, फिर भी तुम दो तीन दिन घर पर पूरा आराम करो, रिपोर्ट मिलते मैं पहुंच जाऊंगा। ठीक है। जरा सी हवा आई और टूट गया। चीजें टूटने के लिए ही बनती हैं। मेरी रिपोर्ट आ गई? हाँ आ गई। क्या है? कोई खास बात नहीं। कुछ तो होगा, किसी तरह की कोई बीमारी? वो घबराने की कोई बात नहीं सुमन, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, बताओ क्या बात है, क्या हुआ है मुझे, क्या इतनी बुरी खबर है? फिकर मत करो सुमन, कल ही से तुम्हारा ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। मेरा दोस्त यहां का सबसे बड़ा कैंसर स्पेशलिस्ट है। मुझे कैंसर है? तुम डर क्यों रही हो खामखा, तुम्हारा इलाज हो जाएगा, तुम ठीक हो जाओगी। मुझे झूठी तसल्ली ना दो रवि, मौत का कोई इलाज नहीं। अरुण शर्मा दीदी जल्दी से अपना मुंह खोलो। क्या बात है? ओहो, कभी कभी बड़ों का कहना मान लिया करते हैं। शाबाश दीदी, ऐसी खबर सुनाऊंगा, सुनोगी तो बस सब कुछ भूल जाओगी। दीदी वो जो मैं चांस खो चुका था ना, फिर से मिल गया। सच? हाँ दीदी, वो मुरलीधर का बच्चा बेईमानी करते हुए पकड़ा गया। बॉस ने मुझे ऑर्डर दिया, बस पासपोर्ट वीजे की देरी है, एक डेढ़ महीने में दुबई रवाना हो जाऊंगा। एक डेढ़ महीना? हाँ, 6 महीने दुबई में रहना है, वापिस आया दीदी फिर तो चांदी है। चांदी कितनी है वखुरदार, लेकिन घर की असली लक्ष्मी घर की बहू ही होती है। घबराओ नहीं गणेश चाचा, अब देखता हूँ आरती कैसे नहीं आती। एक बार बंबई में कदम रखने दो, कान पकड़ कर घर में ले आऊंगा। दीदी क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो? और फिर वही अंजाम होगा, अरुण का सारा ध्यान आप में लगा रहता है। अगर उसे दोबारा मौका मिल भी गया और आपको फिर से कुछ हो गया, तो वह सब कुछ छोड़ छाड़ के फिर से आपकी सेवा में लग जाएगा। दीदी तुम्हें कोई खुशी नहीं हुई क्या? हो
खुश कैसे नहीं। आज मैं इतनी खुश हूं कि डरती हूं कि कहीं तुम्हें मेरी नजर न लग जाए। कैसी बातें कर रही हो, तुम्हारी नजर मुझे लगेगी? देखो अरुण, आज जो कुछ भी है तुम्हारी दुआओं का नतीजा है, कल जो भी बनेगा तुम्हारी वजह से। जिंदगी भर चाहूं तो तुम्हारे एहसानों का बदला नहीं चुका सकता। भगवान तुम्हें जिंदगी के हर मोड़ पर कामयाबी दे। अच्छा मैं चलता हूँ, बहुत से काम है। हाँ, और अपनी टैक्सी का मीटर भी तो चढ़ा हुआ है। अरुण इनसे मिलो। आप हैं डॉक्टर रवि कॉल, मेरे बहुत पुराने कलीग। हेलो हेलो, शायद मैंने पहले कहीं आपको देखा है। अच्छा चले भाई, चलो चलो दोस्तों। चलो अरुण से अपनी बीमारी कब तक छुपाते रहोगे? जब तक अरुण दुबई ना जाए उसे इस बात का शक भी नहीं होना चाहिए। कुछ भी करो रवि, मुझे उसके जाने तक जिंदा रखो। ये अरुण और आरती दोनों की जिंदगी का सवाल है। तुम पेशेंट को हॉस्पिटल में दाखिल क्यों नहीं करा देते? डॉक्टर साहब कुछ खास वजह है कि फिलहाल पेशेंट का घर पर रहना बहुत जरूरी है। रेडिएशन के बाद अक्सर चक्कर, उल्टी या कोई और रिएक्शन भी हो सकता है। इन्हें घर जाकर 2-3 घंटे आराम करना चाहिए, और अगर हो सके तो किसी नर्स का भी इंतजाम कर लो। डॉक्टर साहब कोई उम्मीद है? आई एम सॉरी, नहीं, बीमारी लास्ट स्टेज तक पहुंच चुकी है। एक मिनट, रूम 206 प्लीज। तुमने अरुण से क्या कहा? मैंने कहा तुम्हारे हॉस्पिटल में नर्सों की कमी पड़ गई है, इसलिए कुछ दिनों के लिए तुम्हारी मदद कर रही हूँ। ठीक है, अब उसे कोई शक नहीं होगा कि तुम कहाँ जाती हो। सारा जिस्म जल रहा है। जब भी तकलीफ ज्यादा हो तो इंजेक्शन ले लेना। अब तुम 2-3 घंटे के लिए आराम करो, शाम तक दर्द ठीक हो जाएगा तो घर छोड़ दूंगा। अरुण साहब घर में हैं? वो तो काम पर गए हैं। सुमन बहन? वो भी अस्पताल गए हैं। कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, एक पैकेट सिगरेट लाओ, 555। पैसा? पैसा? ऐसा करो तुम एक ही सिगरेट लाओ, सिगरेट पीना अच्छा नहीं होता, खांसी होती है। Thank you.
सुमन की ये एक बुराई उसकी हर अच्छाई को मिटा देगी और आरती की जिंदगी से ये कांटा हमेशा के लिए निकल जाएगा। क्यों? डोंट वरी आंटी डियर, मैं इस मौके को हाथ से नहीं जाने दूंगा। गुड। यस, अरुण शर्मा स्पीकिंग। अरुण साहब, मैं रवि कॉल का साला बोल रहा हूँ। जी बोलिए। मेरे जीजा जी और आपकी बहन, अब मैं क्या कहूँ, कहते हुए कुछ शर्म आती है। क्या बकते हो? हुजूर, वो समीर पैलेस होटल में रोज दोपहर को मिलते हैं। मेरी सिर्फ इतनी सी इल्तिजा है, आप अपनी बहन को बात बढ़ने से पहले रोक लीजिए, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। स्टूपिड, कैसे कैसे जलील लोग हैं। तस्वीर और लव लेटर्स परसों पुराने हैं, लेकिन इसके बावजूद आप अपनी बहन। मैं अस्पताल जा रही हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं? क्या हुआ? क्या बात है अरुण? दीदी, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। सलाम अलैकुम, सुमन बहन, मैं अस्पताल की तरफ जा रहा हूँ, तुम्हें चलना? एक मिनट का नहीं भाई। हाँ अरुण, क्या बात है? कुछ नहीं, तुम चलो, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया। अच्छा, चलिए। हॉस्पिटल से? क्या मतलब? डॉक्टर रवि कॉल, जिसे तुम बहकाने की कोशिश कर रहे हो, वो मेरी बहन है और मैं अपनी बहन की बदनामी हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम समझते हो तुम्हारी बहन और मैं? समझता ही नहीं, जानता भी हूं, अपनी आंखों से देखा है और अच्छी तरह से समझ गया हूं। तुमने गलत समझा है। अपनी बहन के बारे में ऐसा सोचने से तो अच्छा था कि तुम खुदकुशी कर लेते। मैं तुझसे बहस नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन ले रवि, अगर फिर तूने मेरी बहन से मिलने की कोशिश की तो जान से मौत डालूंगा। अरुण, बात हुई बताओ मुझे। कुछ नहीं हुआ है, भगवान के लिए मुझे परेशान। तुम्हें मेरी कसम, तुम्हें बताना होगा। मैंने कह दिया ना मुझे कुछ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? छुप छुप कर घर वालों की बातें सुनते हो और बाहर भगते फिरते हो?
अगर तुम्हारा साया भी नजर आओ तो क्या हुआ तुम्हें? ये तस्वीर तुम्हारे पास? तो इसीलिए डॉक्टर के साथ झगड़ा कर रहे थे? तू क्या करता? लोग बातें कहे मैं सुनता रहूं, दुनिया उंगलियां उठाए मैं देखता रहूं? दुनिया ने कहा और तुमने यकीन कर लिया? जवाब दो, क्या तुम भी मेरे बारे में यही सोचते हो? क्या सोची और क्या समझू, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये तस्वीर झूठी हो सकती है, 15 बरस पुरानी चिट्ठियां झूठी हो सकती हैं, लेकिन नौकरी के बहाने डॉक्टर के साथ घंटों होटल में गुजार रहा है, ये सब भी झूठ है। रुक क्यों गए? मारो मुझे, जितना जी चाहे मारो, सिर्फ एक बार बता दो रवि के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है, फिर चाहे तो जान से मार डालो। मैं तुम्हें मारने वाली कौन होती हूं? ऐसा क्यों कहती हो? मेरा तुम्हारे सिवा दुनिया में कौन है? तुम मेरी बहन हो। तुम्हारी बहन उसी वक्त मर चुकी जिस वक्त तुमने उसके बारे में ऐसा सोचा। मुझ पे ये इल्जाम लगाने से पहले तुमने मेरा गला क्यों नहीं घोट दिया अरुण? अगर ये इल्जाम झूठ है तो सच क्या है? ऐसी कौन सी वजह है कि तुम बार बार रवि से मिलने जाती हो? सच सच बता दो दीदी, नहीं तो पागल हो जाऊंगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी। ठीक है, मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा, लेकिन आज के बाद तुम रवि से नहीं मिलोगी। तुम मुझ पर हुक्म चलाने वाले कौन होते हो? मैं जब चाहे जिससे चाहे मिलूंगी। तुम नहीं मिलोगी। अगर तुमने उससे फिर मिलने की कोशिश की तो मैं उस डॉक्टर को कच्चा चबा जाऊंगा। अरुण, अगर तुमने डॉक्टर की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। ठीक है, तो मैं आज से यही समझ लूंगा। क्या अच्छा दिन निकला है आंटी डियर। बहन और भाई के बीच में सारे तार ऐसे फिट कर दिए, बस समझिए बम फूटने ही वाला है। क्या हुआ? अरुण, अरुण, राम सिंह, गाड़ी लाना जल्दी। आंटी, ये तो अरुण भाई साहब है। भाई साहब, ओहो, इनका तो बदन जल रहा है। तुम ऐसा करो, गाड़ी में इन्हें बिठा के फौरन घर ले जाओ और किसी डॉक्टर को बुला के दिखाओ। जी, उठाओ। हाँ, और सुनो, आरती को आज ही टेलीग्राम करके घर वापस बुला लो। यस आंटी। माँ, आंटी डियर, गॉड ब्लेस हिम, अरुण भाई साहब को होश आ गया। शुक्र है बुखार उतर गया। अरुण बेटे, अब कैसी है तबीयत? अरुण बेटा, ये सुमन जी में और तुम में कोई झगड़ा हुआ है क्या? ये आपसे किसने कहा है? भाई साहब, मैं आपकी बहन जी से मिलने गया था, लेकिन ये सुनने के बावजूद भी कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, उन्होंने आपसे मिलने से इनकार कर दिया। हाइट ऑफ ट्रेजेडी। जी नहीं, कोई झगड़ा नहीं हुआ है। आप लोग थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाइए प्लीज। आरती बेटा, तुम भी थोड़ी देर आराम कर लो, रात भर जागती रही हो, और कल से कुछ खाया पिया भी तो नहीं तुमने। बेटा, अरुण तो अब ठीक हो ही गया है, अपना भी ख्याल रखो। हम चलो।
अरुण, क्या मुझे भी नहीं बताओगे कि क्या हुआ? तुम्हें नहीं बताऊंगा तो और किसे बताऊंगा? अरुण, कल मैं जरा लेट आऊंगा, चलेगा सर? कोई खास बात है क्या? सर वो कल रक्षाबंधन है ना, इसलिए। कल राखी है? जी। You can go. Thank you, sir. छोटा सा भैया हमारा, बहना के दिल का दुलारा। आप लोग यहाँ कैसे? सुबह से तुम्हारे जाने की तैयारी हो रही है। कपड़े उपड़े सब तैयार हैं। और ये देखो, ये घड़ी तुम्हें पसंद है? आरती मेरे साथ आओ। कहाँ? आओ तो। आरती, बैंक में मेरा और दीदी का एक जॉइंट अकाउंट है, जिसमें शादी में हमें जो 22,000 रुपए मिले थे वो भी उसी अकाउंट में है। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन अचानक ही ख्याल? अचानक ख्याल दीदी का आ गया। उस डॉक्टर के बच्चे का क्या भरोसा, कभी भी ठुकरा देगा। दीदी बेचारी का क्या होगा? लेकिन ये पैसे जो है आरती, मैं जानता हूं दीदी बहुत ही खुददार है। जब तक उस अकाउंट में मेरा नाम शामिल है वो उसमें से एक पैसा भी नहीं निकालेगी। अगर तुम्हें एतराज ना हो तो मैं चाहता हूं वो सारी रकम दीदी के नाम कर दूं। मुझे कोई एतराज नहीं अरुण, भगवान का दिया हमारे पास बहुत कुछ है। आरती। लेकिन मिस्टर शर्मा, आपकी बहन ने तो इस अकाउंट में से तकरीबन सारे ही पैसे निकाल लिए। क्या कह रहे हैं आप? आप खुद ही देख लीजिए, 13 अगस्त यानी आज से ठीक 5 दिन पहले मिस सुमन शर्मा 78,000 रुपए निकालकर सिर्फ 3,000 रुपए छोड़कर गई हैं। मुझे तो जरा भी शॉक नहीं लगा। अरुण, तुम नहीं जानते आजकल लोग तुम्हारी बहन को लेके क्या क्या बातें कर रहे हैं। आंटी प्लीज, मुझे तो इस औरत ने चौंका दिया है। आरती की फिक्र हो गई है मुझे। मेरी फिक्र? देखो अरुण, हम लोग अपनी तमाम प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करने वाले। अरे भी हमारा क्या भरोसा, आज है कल नहीं। ईश्वर करे तुम्हारी 1,000 साल की उम्र हो, लेकिन लेकिन बेटा मौत पर किसका बस चलता है। भगवान ना करे कल तुम्हें कुछ हो जाए और सुमन हकदार बन के खड़ी हो जाए तो बेचारी आरती तो जीते जी मर जाएगी ना। दीदी ऐसा नहीं कर सकते। अरुण समझने की कोशिश करो ना, तो सुमन तुम्हारी बहन है ना उसके साथ तुम्हारा कोई खून का रिश्ता है। आखिर है तो गैर ही ना, ये तो तुमने भी आजमा के देख लिया भाई, ये मुसीबत तो कभी भी खड़ी हो सकती है। मेरी मानो तो विदेश जाने से पहले ये खतरा हमेशा के लिए दूर कर दो। मुझे मालूम था आज तुम जरूर आओगे। कैसी हो? बहुत अच्छी हूँ। आरती को साथ नहीं लाए, ठीक तो है ना?
तेरे साथ ही रहती है ना? बैठो, मैं राखी लेकर आती हूँ। खैर दीदी। मुझे इस पर तुम्हारे दस्तखत चाहिए। क्या है ये, बता ना। ये लीगल डॉक्यूमेंट है, इस पर लिखा है कि आज के बाद तुम्हारी प्रॉपर्टी और किसी भी चीज पर मेरा हक नहीं होगा। इसी तरह मेरी भी किसी चीज पर तुम्हारा हक नहीं होगा। इसकी रूह से हमारा भाई बहन का रिश्ता कानूनी तौर पर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। क्यों, ये सब क्यों अरुण? क्या मैं तुम्हारी नजरों में इस हद तक गिर गई हूं? मुझे कुछ बोलने पर मजबूर ना करो दीदी, मेरी इल्तिजा इस पर दस्तखत कर दो और मुझे यहां से जाने दो। चलता हूं दीदी। अरुण, तुम्हारे पैदा होने से बहुत साल पहले जब पिताजी ने मुझे गोद लिया था तो उस वक्त उन्हें एक कागज पर दस्तखत करना पड़ा जिससे मेरा इस घर से रिश्ता जुड़ गया था। लेकिन आज तक मैं ये भूल गई थी कि तुम्हारे मेरे बीच सिर्फ एक कानूनी रिश्ता है जो एक कागज से शुरू हुआ था और एक दूसरे कागज से खत्म हो गया है। ठीक है अरुण, तुम्हारी किसी भी चीज पर मेरा हक नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे दिल पे जो मेरे दिल का हक है उसे दुनिया का कोई भी कागज नहीं छीन सकता। लेकिन मैंने, चले जाओ इससे पहले कि मैं इस कागज के टुकड़े टुकड़े कर दूं। चले जाओ, चले जाओ। पिताजी, अब मैं बिल्कुल अकेली हूं। पिताजी, बिल्कुल अकेली हूं। सुमन मैन, कॉरम इन 1cc, कोबाल ऑक्सीजन, हरी अप। वेयर्स द ऑक्सीजन? जल्दी करें। डॉक्टर साहब, खुदा के लिए बताइए ना क्या हुआ इन्हें? आप लोग सब बाहर जाइए प्लीज। सुमन, हाँ। तुम्हें हॉस्पिटल
हॉस्पिटल शिफ्ट करना होगा। नहीं जिद मत करो सुमन, मेरी बात मानो। नहीं रवि, अब कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपने घर में मरने दो। तुम लोग जरा बाहर ठहरो। ठीक है सुमन, मैं सारा इंतजाम यहीं किए देता हूं। रवि, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन बदले में सिवाय दुख के मैं तुम्हें कुछ ना दे सकी। मुझे माफ कर दो रवि। नहीं सुमन। मुझे माफ कर दो। नहीं सुमन, ऐसा मत कहो। एक 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 आखिरी काम और कर दो। कहो सुमन। ये खत मेरे बाद अरुण को दे देना। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की ये पार्टी मिस्टर अरुण शर्मा की बेमिसाल तरक्की के सिलसिले में दी जा रही है। कल ये फॉरेन जा रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे साथ साथ इनको बधाई दें। लेट्स ड्रिंक अ टोस्ट टू मिस्टर अरुण शर्मा सक्सेस स्टोरी। हां, मुबारक हो मेरे चीफ इंजीनियर, आज तो शुरुआत है। मेरी आंखों के सामने तो वो मंजर उभर रहा है जब तुम एक बहुत बड़े आदमी बनोगे। ये क्या हो गया डॉक्टर साहब, ये क्या हो गया? हिम्मत से काम लीजिए। डॉक्टर साहब, अरुण अभी तक नहीं आया, मैं जाकर उसे ढूंढता हूं। नहीं गनी भाई, अरुण अब वापस कभी नहीं आएगा। अरुण, उस्मानी साहब बहुत मशहूर शायर है, कुछ ताजा कलाम सुनाइए ना। जरूर। मंजिल तो मिल गई है मगर सोचता हूँ मैं, रास्ता दिखा के आप न जाने किधर गए। वाह वाह, बहुत खूब उस्मानी साहब। आ रहा बस। अरुण, क्या बात है? आज मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है ना आरती? न जाने क्यों ऐसा लग रहा है जैसे मेरा सब कुछ लुट चुका हो। तुम बहुत थके हुए हो बस इसलिए। शायद तुम ठीक कह रहे हो, मैं बहुत थक चुका हूं। मैं अब चलता हूं, मेरी तरफ से तुम इन लोगों से माफी मांग लेना। जल्दी आओ।
अरुण आ रहा है। सुमन, सोने की कोशिश करो सुमन। रवि, अरुण आ रहा है। जाके देखो रवि, अरुण आ गया। जाके देखो रवि, अरुण आ गया। तुम इस वक्त यहां क्या कर रहे हो? मैं बताऊं? तुम यहां अपनी मर्जी से नहीं, मजबूर होकर आए हो। तुम्हारी लाख कोशिशों के बावजूद भी तुम अपनी बहन से दूर नहीं रह सके। इसी तरह सुमन भी तुमसे बहुत कुछ छुपाती रही, लेकिन इस वक्त उसकी सिर्फ एक ही आरजू है कि वो तुमसे मिले, तुमसे बातें करे। अरुण, तुम्हारे और सुमन के बीच कितना गहरा, कितना अटूट रिश्ता है, ये शायद तुम भी नहीं जानते। रिश्ता तो था डॉक्टर, लेकिन तुमने हमेशा के लिए खत्म कर दिया। जी तो जी, तो क्या ये रिश्ता सुमन के मरने के बाद भी खत्म नहीं हो सकता? डॉक्टर, आज तुम्हें ये राज बताकर सुमन को दी हुई कसम तोड़ रहा हूं। खैर, अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चंद लम्हों में सारा किस्सा ही खत्म हो जाएगा। तुम साफ साफ कहो डॉक्टर, कहने का चाहते हो? क्या हुआ मेरी बहन को? तुम्हारी बहन को कैंसर है। सुमन को यह उस वक्त पता चला जब तुम्हें अपने करियर का सबसे बेहतरीन मौका मिला। वो जानती थी कि यह खबर अगर तुम तक पहुंच गई तो तुम्हारा भविष्य, तुम्हारी बेहतर जिंदगी दोनों तबाह हो जाएंगे। तुमसे यह राज छुपाने के लिए उसने मेरा सहारा लिया, एक डॉक्टर का सहारा। जीती रही तो सिर्फ तुम्हारे लिए, और आज मर रही है तो तुम्हारे लिए अरुण, सिर्फ तुम्हारे लिए। मैं
दीदी, दीदी तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? जाओ अरुण, वो ऊपर है, पता नहीं कब शायद तुम्हें देखकर चैन से भर सकेगी। जाओ जाओ अरुण। छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा अरुण, मैंने सारी जिंदगी इसी दिन का इंतजार किया था। मुझसे वादा करो, मुझे कुछ भी हो जाए तुम कल जाओगे। नहीं, मैं कोई वादा नहीं करूंगा। तुम नहीं जाओगे, नहीं जाओगे? नहीं दीदी, अपनी बहन की बात नहीं मानोगे? ऐसा कभी हो सकता है कि मैं अपनी बड़ी बहन की बात ना मानू? मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी अरुण, हमेशा तुम्हारे। मेरे भाई,
आज तक मैंने अपनी बीमारी के अलावा तुमसे कुछ नहीं छुपाया, फिर भी एक ऐसी बात है जो तुम नहीं जानते। कुछ दिन पहले मैंने बैंक से पैसे निकालकर हमारा किराए का मकान तुम्हारे और आरती के नाम खरीद लिया है। तुम दोनों हमेशा इसी को अपना घर समझो, यही मेरी ख्वाहिश है। और हाँ अरुण, एक बात याद रखना, ये भाई बहन का रिश्ता कागज का नहीं होता जो फाड़ कर फेंक दिया जाए। ये रिश्ता तो आत्मा से बंधा है, इसे कागज तो क्या, मौत भी नहीं मिटा सकती। तुम कल भी मेरे भाई थे और आज भी हो, हमेशा रहोगे। तुम्हारी बहन सुमन।